स्वामी जी, आपने बोला था कि जो योगी हैं आदित्य योगी नाथ जी हैं, वो अपना जो बयान होता है बहुत अजीब अजीब से देते हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? भाई, इस देश में हमारे नेताओं की बुद्धि गजब की बुद्धि है जी। आज हम 1200-1300 साल से गुलामी के ढांचे को ढो रहे हैं और आज भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी स्ट्रक्चर भारतीय लोग ढो रहे हैं। तो जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे स्तंभ हैं, जिनको हम बहुत जिम्मेदारी से बड़ी आशा की दृष्टि से देखते हैं कि ये सुप्रबंधन करेंगे, सुप्रबंधन करते हुए जब नहीं देखते तो बड़ी खीज आती है इनके ऊपर। भाई, कभी कोई कहता है कि मैंने अवैध बूचड़ खाने बंद कर दिए, तो एक बार मैंने योगी से ही पूछ लिया झांसी की सभा में कि ब्रदर, आदरणीय योगी जी, गुरु भाई, क्या वैध बूचड़ खाने न्याय संगत है? अवैध बूचड़ खाने आपने बंद कर दिए। भाई, अवैध शराब बंदी आप करते हैं, कोई घर में महुआ चुरा के शराब पीता है तो आप उसको 60 में बंद करते हो, और आपके सरकारी ठेके तो गली गली चलते हैं और उसमें शराब बिकती है, लोग नशा करते हैं, हमारी युवा नशेड़ी हो रहे हैं, देश की जवानी नशा की ओर प्रवृत्त हो रही है, देश का महान नुकसान है, लेकिन वो सब आप लीगल ठहराते हैं क्योंकि आपको उससे बड़ी आमदनी होती है। तो हम अपने नेताओं को ही जिम्मेदार मानेंगे ना कि जो व्यवस्था प्रबंधन में अगुवाई करते हैं उनके पास कम से कम विचार स्वायत्तता तो हो, वो विवेक के प्रकाश में तो प्रबंधन करें, ये हमारी इन सबसे उम्मीद है। बोले कि हमने अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए, तो मैं खड़ा हो गया सभा में, इनका भैया ये बताओ कि वैध बूचड़खाने निरीह प्राणियों की हत्या क्या न्याय संगत है? जो प्राणी अपने आत्मरक्षा के लिए निवेदन नहीं कर सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, उनको तो मार मार के काट काट के अपने देश से बीफ मांस एक्सपोर्ट करते हो, किसी प्राणी का सहा है ना? तो क्या उन मूक प्राणियों के साथ क्रुएल्टी होना चाहिए? ये मेरा उनसे प्रश्न था। तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम चाहते हैं पूरी दुनिया में मानवीय मूल्यों की रक्षा हो और मानव विवेकमान प्राणी है, चैतन्य काई है, ये विचार स्वायत्त होकर के व्यवस्था में भागीदारी ले और बिगड़ते हुए सांसारिक जो पूरा का नेचर है, नेचर को जो नोचा जा रहा है भोगोन्माद जो परंपरा है पश्चिम से, उसको भारतीय लोग कम से कम अपनी तरफ से तो संयम की पहल करें, जिससे कम से कम भारत की जो संस्कृति रही है, देव संस्कृति, करुणा की संस्कृति, आस्था की संस्कृति और सहानुभूति की संस्कृति, ये पूरी दुनिया को संदेश दे पाए कि हम सब को इस धरती पे संपूर्ण अस्तित्व के साथ साझा होकर जीना है। सबको जीवन की एक समय सीमा निश्चित मिली हुई, उसके साथ साथ सब विदा हो जाएंगे, तो हम मारें क्यों किसी को? क्यों मारते हैं हम? और जब हम किसी को मारते हैं तो उससे पीड़ित तरंगे निकलते हैं, पूरा वायुमंडल प्रभावित होता है, पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है, और आज आदमी पैसाचिक वृत्ति में शोषण और चीतकार और चीतकार का वातावरण बनाता जा रहा है। ये मैं रंगुआ बाबाओं से, चाहे वो नेता के रूप में हो, चाहे किसी भी मठाधीश के रूप में बैठे हुए हों, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यद्यपि मैं बहुत छोटा सा अकिंचन साधु हूँ, कसाईयों से छुड़ा के गोवंश की सेवा करता हूँ, ग्राम चौका में, मेरा नाम आचार्य दया शंकर दास है, मैं वैष्णव परंपरा से आता हूँ, मेरा अयोध्या में वेदांती गद्दी स्थान है, वहाँ पे मेरे गुरुजनों से मैंने राम मंत्र लिया और मैं इस देश में वैदिक संस्कृति पे जीता हूँ, जहाँ कहा गया है आत्मा वही, यहाँ पर तो वेद कहता है कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। तो मैंने तो इस दिशा में ही पूरी दुनिया से निवेदन किया है कि आओ हम सब लोग आत्मदर्शन को करें और आत्मवत्ता के साथ लोगों के साथ बर्ताव करें, यही व्यवस्था में शिक्षा विधि में मानवीय संस्कार के लिए प्रयत्न होना चाहिए, और ऐसा नहीं करते देखते जब अपने जन नेताओं को तो बड़ी खींच आती है जी। सोनी जी, एक बात बताइए, आज देश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है जितनी गाय सुरक्षित है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, गाय तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, महिला तो इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि महिलाओं के पीछे भी कारण है। हमारी महिलाएं जहां पर यद्यत आचरती श्रेष्ठा तत्व देवे, तो माता पिता की भूमिका सर्वप्रथम आती है, माता ही इस संसार की जननी है, जब जननी ही अपने आप में प्रमाणित नहीं होगी, आजकल माताओं ने किस तरह से गिरावट को अपनाया है, बच्चों को अपने जो माता का बात्सल्य होता है, आज बच्चों को बात्सल्य पूर्वक जब लालन पालन नहीं होगा, उनको बोतल से दूध पिलाया जाएगा सिंथेटिक, और उन बच्चों का जब सृजन ही ठीक से नहीं होगा, उनको संस्कार ही सही नहीं दिए जाएंगे, तो वो मातृवत्ता का, उनका माता के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं आता है, क्योंकि माता तो युवा रहना चाहती है, माता तो भोगोन्मादी संस्कृति का अनुसरण कर रही है, वो तो जवानी दिखाना चाहती है अपनी, वो तो अपने स्तन को ही निपान कराती है बच्चे को, तो वो जो बच्चा सिंथेटिक दूध पी के खड़ा हो रहा है वो तो हैवानियत करेगा ही, हक करेगा जी। स्वामी जी, आप अयोध्या से हैं, तो मैं एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा? मैं तो मनुष्यों के मन में राम का जो आचरण है, यदि मानवीय संस्कार में राम के आचरण को स्थापित किया जाए, वही राम का मंदिर बनाना इस देश के लिए बहुत गौरवान्वित होगा। इस मिट्टी पत्थर के स्ट्रक्चर तो हजारों मंदिर बने हैं अयोध्या में, पूरे देश में राम के आचरण को, जो राम का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं पूरे देश में, इनकी वो मानसिकता समझ में आ गई कि ये लोग कितना आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मंदिर राम का मन में बनना चाहिए, राम के चरित्र को आचरण में प्रमाणित होना चाहिए, हम तो इस तरह के राम के आचरण को चाहेंगे, हमारा व्यक्तिगत सुझाव है। मंदिर तो हमारे राम का हमारे मन में बना हुआ है, और हमारा राम किसी मंदिर में रहने के लिए वो नहीं है, लाचार नहीं है,
जी, गाय के ऊपर मामलेंची हो जाती है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, गाय को तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि जब फ्रांस ने भारत के मार्केट में ट्रैक्टर को प्रमोट किया, किसी भी व्यक्ति विशेष नेता को अधिकार है कि वो मामलेंची के नाम पे किसी भी मनुष्य को मार दे? नहीं नहीं, मनुष्य को तो मारने की बात ऐसी है कि जो एक मनुष्य आकृति से मनुष्य होता है, लेकिन जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, सार्वजनिक हितों की जो हितों को नुकसान पहुंचाता है, प्रकृति को नोचता है, ऐसे शैतान को तो गाय को मारने वाले के लिए तो हमारा वेद आज्ञा करता है कि शीशे की गोली से मार देना चाहिए, क्योंकि गाय वह है जो मात्रा सर्वभूतानाम गावः सर्वसुखप्रदा, गाय वो है जिसके एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ माइक्रो सूक्ष्म जीवाणु है, जो संपूर्ण धरती के ह्यूमस को प्राण देने वाली चीज है उसके गोबर में। गाय वो चीज है जो परमाणु विकरण को रोकती है। आदमी को भले ही जो गाय को नुकसान पहुंचा, उसको मार के काट के समुद्र में फेंक दिया जाए, लेकिन गाय को बचाया जाए, क्योंकि गाय सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए प्रथम स्तंभ है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।